बैंड बाजे वाले क्यों बुला लिया नाले? अरे मामू ना मेरा से को ब्याह होना नहीं, नहीं ये बैंड बाजे वाले नहीं है मामू जान, ये हमारे गेस्ट हाउस का अटेंडेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई मिल के। चलाइए तो टैक्सी कैसे बड़ोदरा मिला। आप सामान अंदर छोड़ आए, ये टिकट और ये बोर्डिंग कार्ड मुझे दे दे, ये दे 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 दे। सामान मैं आपका लिया, किस रंग का था आपका? नीले रंग था, बड़ा सा टैची केस था, ऊपर तालब हुसैन फैसलाबादी लिखे आया। अच्छा अच्छा, मुराद तुम इन्हें लेके मामू जान को गाड़ी में चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। आप मुराद के साथ गाड़ी जल्दी जल्दी जाए जी, ये ना हो ना सामान इजी फील कर जाए जी, जल्दी जाए जी। मैंने फैसलाबाद में तालब हुसैन से कहा था मुझे हवाई जहाज में ना बिठाए, पर आजकल की औलाद किथे मानती है, खुद सर सिद्धि हो गई है, बैंड बाजे वाले क्यों हो गई है भला। मामू किधर लगे हुए आप? मामू जी वो ला रहे हैं, ओहो गाड़ी को क्या देखना शुरू कर दिया, वो यहाँ एक आपने लाल रंग की सुजुकी गाड़ी जिसमें एक मियाँ जी भी बैठे हुए थे वो तो नहीं देखी? जी देखी है, पर तालीम क्या है आपकी? चार जमात पास हूँ जी, पांचवी में मेरी सप्ली आई थी, वो जी मैं मास्टर जी को टी आई पी ना मतलब है कि टिप नहीं ना पास मतलब... बंद करो। हाँ जी जी, मेरी तालीम एमबीए है। फिर किस मजमून में एमए किया है आपने? ओ जी मैंने अंग्रेजी में किया है। फिर अंग्रेजी में किया है, फिर तो ये साइन आप अच्छी तरह समझते होंगे, कितना वाजे है। देखें मुझे प्लीज ये बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा। जनाब गाड़ी आपकी लिफ्ट हो चुकी है, आप एयरपोर्ट ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के कैंप में जाइए, अपनी गाड़ी के कागजात दिखाएं और गाड़ी ले जाएं। चलो यार। सुने सर जी, एक मशवरा है आपके। जी फरमाइए। आप ये जो वजनी शीशों की ऐनक पहने हुए हैं उनका जरा नंबर चेक करें। जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस, सुन लिया मैंने। सर जी मेरे लिए कोई मशवरा? तुम अगर तीन चार दिन हमारे पास रह जाओ ना तो तुम्हारी ठीक तरह खातिर तवाज़ो करेंगे। मामू तो बीच में है ही नहीं। और मामू गाड़ी में नहीं है। नहीं? गाड़ी में नहीं है तो बाहर होगा, तलाश करना। अरे सर जी ना उधर ना इधर, ना हेर ना देर, ना ऊपर ना नीचे, ना जमीन ना आसमान। सर जी मैं आपको बताऊं मामू जी इजी फील कर गए। अब बकवास मत किया करो। और मामू इजी फील कर गए? और मेरे मामू नहीं थे, मेरी बेगम के मामू थे। और तू बेगम को मेरी जानता है कौन है? उस तेरे साथ क्या करेगी? चल जल्दी से मामू को तलाश करते हैं। हो सकता है किसी वीआईपी होटल में जाके वो कॉकरोचों का सूप। चलो चलो बहुत बैठो और मामू को तलाश करो जल्दी से। हाँ बेगम साहब जी, ये देखें जी, ये मेरी सेटिंग देखें। मुराद को तो काम का पता ही नहीं है। ये जरा सेटिंग देखें कैसी है। ये क्या है? ये जी गाय तकिए हैं सारे। अच्छा ये गाय तकिए? हाँ जी। और ये मज तकिए? हाँ। गाय तकिया नहीं होता, गाओ तकिया होता है। अच्छा। और क्या खूब तूने सोफों पे बिठाया हुआ, इनको चाय भी पेश करनी थी। नहीं यहाँ नहीं होते सोफे पर, ये इधर होते हैं, इधर उधर। अच्छा जी हाँ रखता हूँ, बेड पे रखो इधर। अच्छा हाँ भाई, ये क्या है भाई? ये घड़ा जी, इसमें मैं ठंडा पानी डालूंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आते ही मामू को पानी लेने भेज दो छप्पड़ पे। नहीं वो पीने के लिए जी, ठंडा, गांव से आया ना। गांव से आया तो क्या मतलब है, पानी भरते रहते हैं वहाँ पे, वो ठीक ठाक मुअज्जज आदमी है। अच्छा जी, या अल्लाह ये क्या भाई, एक साथ में केबल भी है, ये क्या? ये देखें, ये
ये बिग पैर उधर रुका, ये यहाँ से गैस खोली, यहाँ से गया बिग प्लान, नो मामू। अच्छा मामू ही उठा दिए मेरे? नहीं नहीं, बहुत अफसोस की बात। नहीं वो वैसा जी बिग प्लान। अच्छा चलो चलो उठाओ ये सारी बकवास और ठीक करो इसको, सेट करो अच्छी तरह से, जैसे इंसानों का घर होता है। लो ये सेटिंग की हुई है, ये मैं करता हूं। हां ये भी उठाओ यहाँ से। अच्छा जी हाँ। ये नहीं है, ये बेरोसा जी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। बेरोसा जी हाँ। वो एक गाना है ना जी, वो गाएंगे, मामू आएंगे ना वो गाएंगे, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर। पिया नहीं, मेरे मामू आ रहे हैं। हाय अल्लाह, मेरे अकलौते वाहिद मामू, बस आखिरी पीस बचा यही खानदान में, इनके लिए तो वो गाना गाना चाहिए ना, वो क्या, वो जो अभी हम नीचे गा रहे थे, मामू आए मामू, ओ मामू आया मामू, ओ मामू आया मामू, ये सही है। हाँ सामान अंदर ले आओ। अच्छा साहब, कौन है तुम? चार जाए गिदड़ का बच्चा, हम तुमको गोली मारेगा। गिदड़ का बच्चा, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारा क्या ख्याल है, मेरा ध्यान चारों तरफ नहीं होता? तुम तो बच्चों मुझे शक्ल से इश्तारी लग रहे हो। इनको नहीं, चलो मेरे साथ थाने। चल, नहीं देता। चलो चलो देता। रंगो। हाँ जी। ये देखो ये तस्वीर सीधी है। हाँ जी सीधी है जी। बकवास ना कर रहा है, सीढ़ियों के हिसाब से सीधी है। अच्छा भाई देखो नवीन, वो कोई फोन नहीं आया शमीम का अभी तक, एक घंटा हो गया फ्लाइट को आए, मामू नहीं आया अभी तक। हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, ये शमीम को देखो, इतना लापरवाह अजीब किस्म का शौहर है। वैसे हो सकता है वो सैर कराने ले गया मामू जान को इस्लामाबाद की, मौसम भी तो खासा सहर ज्यादा सा हो रहा है। इस्लामाबाद की सैर, शमीम ले जाए वो भी मेरे मामू को, चलेटों से मुरादे। नहीं नहीं हाय अल्लाह मामू कहाँ रह गए आप, मेरा तो दिल डूब रहा है भाई। जहाज डूब गया बिल्कुल साहब जी, आई काम ऐसे हाथ डाल के मैंने जहाज को बाहर निकाला, आप नहीं डूब रहा जी कैसा। तू हिट हो जा बस, बाकी सबकी खैर है, बेतुका बेमौका बोलता चला जाएगा। और शमीम को देखो, यानी कि 250 रुपए खर्च के घर बंदा कॉल कर दे, फिक्र मिट जाती घर वाले। तुम ऐसा करो, तुम जाओ नवीद, तुम वो इंक्वायरी पे नंबर मिलाओ, जरा पता करो वो जो फ्लाइट आई है वो लाहौरी से आई है या फिर नंबर याद है? और नंबर तो मुझे सारे जुबानी याद होते हैं। माशाल्लाह खासा हाजा तेज होता जा रहा है तुम्हारा जब से। खैर चलो हेलो, नहीं नहीं फ्लाइट इंक्वायरी SHO F डिवीजन आजकल बंद कर गया, और दहशत ही बड़ी होती है, ये होती है एफिशिएंसी। स्टूपिड नहीं जी, स्टूपिड नहीं जी, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो जी। हाँ जी सर फरमाइए। कमरा चाहिए मुझे, चार नंबर होना जरूरी। चार नंबर बोली, चार नंबर तो बस जाती है परेशान। सर इत्तफाक से चार नंबर बस नहीं, चार नंबर कमरा आज ही खाली हुआ है जी। हाँ बस तो ठीक है, वही कमरा चाहिए मुझे। अच्छी बात है जी। जनाब का शनाख्ती कार्ड? आप मुझे पहचानते नहीं, आप यानी? सर बस इत्तफाक से जिंदगी में किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपका शनाख्ती कार्ड जी। जी क्या मसला है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं मालकन गेस्ट हाउस की। ए नेक दिल खातून, खूबसूरत मुस्कुराहट वाली नौजवान खातून। शमीम सुन रहे हो, कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ये बाबा जी। नो बाबा जी प्लीज, दैट्स माय इंसल्ट। मेरा नाम प्रोफेसर ढिल्लू है, LLDS MMDS, यू अंडरस्टैंड। बाबा जी मुझे तो लगता जी कि आप किसी अंग्रेजी फिल्म के ना ताजा ताजा सीन से भाग के आए हैं, वैसे मैं एक सुपर हिट फिल्म में काम कर रहा हूँ, बिग फिल्म बिग रैम्बो। शराब है लाजवाल मुस्कुराहट वाली खूबसूरत खातून, क्या तुझे मेरा चेहरा बेतबारी सा लगता है? नहीं नहीं काफी एतबारी लगता है जी। देखिए क्या कोई शरीफ शहरी शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से एक दिन कहीं कयाम नहीं कर सकता? आज की रात, सिर्फ आज की रात। हाँ जी, फिर सुबह सूरज निकलने से पहले पहले ना मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अब शहर छोड़े ना छोड़े ये उनकी अपनी मर्जी है, हमें क्या उससे, तुम जाके चार नंबर कमरा दिखाओ। अच्छा, जाए जी चाबी, ये मुझे दें जी।
बाबा जी आए। नो बाबा जी, प्रोफेसर ढिल्लू। अच्छा जी, प्रोफेसर ढिल्लू आए जी। अल्लाह क्या करूं, नंबर भी नहीं मिल रहा, और मेरे जो मामू है ना नवीद, उनको इस्लामाबाद का रास्ता तक नहीं आता है। और इस्लामाबाद का ये हाल है कि यहाँ अगर साथ वाले घर का पता करना है ना, तो 3 चक्कर उस घर के लगाने पड़ते हैं, फिर भी बाहर कुत्ता ही निकलता है हमेशा। या अल्लाह मैं क्या करूँ। अच्छा, अगर कोई फोन आए ना तो मुझे बता देना फिर। बेहतर है जी। और बेगम साहब, अगर कोई रकम का मुतालबा करे तो भी? क्या मतलब? देखिए ना जी, मगवी को बरामद करने के लिए तावान और वगैरह। नवीद, अगर अल्लाह ने इत्तफाक कर अच्छी शक्ल दे ही दी है ना, तो कोशिश करके कभी कभी बात भी अच्छी कर लिया करो। अगवा हो तुम्हारे रिश्तेदार, देखो तो सही, यहाँ मेरी जान पे पड़नी है, सबको मजाक सूझा हुआ। हाय अल्लाह, मामू जी, मासूम मामू, अरे शमीम, तुम्हें क्यों ना उठा के लेके गए? ये वेले बेकार मुश्तंडे मुराद को क्यों ना उठा के लेके गए? मेरे मामू को क्यों ले गए? अभी पूरी बात मत सुनना। इतने नाजुक कंदाब मामू, ने तो कभी मार खाई नहीं, पुलिस वाले तो बड़ा मारते हैं मामू। बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी? बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा कभी पूरी बात सुनती नहीं हो, सारी जिंदगी अधूरी बात सुनने की आदी हो। पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद जितना दिल चाहे रो लेना, अनपढ़ औरत। मैं जानती हूँ तुम्हारी पढ़ाइयों को भी, हमेशा RIGST राइट को WRIT राइट लिखते हो। भाई मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मामू भी मिल गए थे, गाड़ी भी मिल गई थी, उनका अटैची वहाँ पीछे उसमें लाउंज में रह गया था। मैं अटैची देखने लाउंज में गया, वापस आया तो देखा मामू गाड़ी में से भाग गए थे। हाँ जी, अकेले भागे थे या किसी के साथ, ये मुझे नहीं पता। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये नहीं कि जाके ढूंढो मेरे मामू को, और मेरे मामू को ढूंढ के लाओ सखिया। आए फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ सारे पिंडी में, सारे इस्लामाबाद में फैल जाओ, सब लोग मेरे मामू को ढूंढ के लाओ। मामू जी, बेगम साहब अटे जी, मैं फैल रहा हूँ जी। ये फैल नहीं रहा, ये उड़ रहा है। तू उड़ जा। बेगम साहब, मैं आपको बताऊँ जी, मेरे जहन में एक बात आई है जी। वो चले गए होंगे जी किसी तिक्के शिक्के की दुकान पे, तिक्के शिक्के इजी फील कर रहे होंगे, बस इतनी सी बात। बकवास, कमबख्त, शर्म नहीं आती हमारी जान पे बनी हुई है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अल्लाह करके तेरे सारे चाचे मामे घूमे ना, फिर मैं देखो तू कैसे इजी फील करता है। बड़ा मैं तेरे से भरूंगी मैं अपने मामू को, तू देखता रहना जरा। यमीन, हमारा यहाँ कोई हमदर्द नहीं है। चलो चलो चलो, हम मिलके ढूंढते हैं मामू को। चलो चलो, आओ जी, आओ, बात हो आपकी। आए मामू, आप कहाँ रह गए? ओए, हॉलीवुड की डमी, इधर आओ। हाँ जी। ये अटैची केस उठाओ और ये चीमी के कमरे में पहुंचा के आओ। चीमी? अब मिसेस शमीम, मामू आए, मामू। जी सुनाइए। वो जंगली किधर है? जंगली कौन जी? भाई वही जिसको जंगल से पकड़ कर आपने गेस्ट हाउस में पाल रखा है, वही कुछ टार्जन की डमी वगैरह। अच्छा 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 अच्छा, मुराद का पूछ रहे हैं? मुराद का पूछ रहे हैं। वैसे उसका नाम रैम्बो है जी। अच्छा रैम्बो। हाँ जी। हेलो। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? माई नाम इज रैम्बो, रैम्बो जान, रैम्बो कॉकरोच किलर जी। ठीक है, जो कुछ भी है रैम्बो या टार्जन की वापसी वगैरह, मेरे कमरे में आओ। मैं जी? नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। क्यों जी, आपको किसी काकरोच ने काट लिया? मेरे कमरे में आओ, पीछे पीछे। अच्छा जी, पीछे पीछे। आप किधर जा रहे हैं जी? ये तो ऐसे करके तो दही लेके आए तो लस्सी बन जाती है जी, जिस तरह आप जा रहे हैं। देखो। हाँ जी, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो। सुनाए जी। इतना। अच्छा जी, सिकंदर को जानते हो? ये परे करे जी। आज मैं जानता हूँ जी, हमारे ग्राम है ना जी माशकी है, वैसे कोर सिकंदर को भी जानता हूँ जी। वैसे प्रोफेसर साहब, आपके सिकंदर की बात कर रहे हैं जी, वो कहाँ का रहने वाला है?
यूनान। हाँ जी, मैं नान। यू रोटी। और यूनान। और यू चपाती। इडियट, मैं उस सिकंदर आजम की बात कर रहा हूँ जो यूनान से चला था। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे वो जब चला था जी उसके पास क्या था? मेरा ख्याल है जी घटो घट कोई सपोर्ट गाड़ी तो होगी उसके पास। आई विल किल यू। नहीं जी, अगर तुमने मेरी बात काटने की कोशिश की ना जी, तो गोली तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। नहीं जी, मेरी बात गौर से सुनो जी। ये सदियों पुरानी बात है। अच्छा जी। हम लोग घोड़ों पर सफर किया करते थे और सिकंदर आजम जी जब यहाँ से गुजरा है हाँ जी, तो यूनान से वो चला है दुनिया को फतह करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसके बारे में शेर है जी मुझे आता है, सुनाओ जी। वो आना जी, जब दुनिया से चला सिकंदर आजम तो दुनिया फतह करने तो उसके दोनों हाथ पैर खाली थे, कुछ नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ये गोली उतारनी पड़ेगी। नहीं जी नहीं, मेरे दिमाग इडियट, मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा जी, तो फिर आप कहानी में जरा जान डाले ना जी, एक्शन शेक्शन लेके आए, उसे उठाए, फिर मैं गौर से सुनूंगा। <कड़ा। laughs> जब यहाँ मारकला की पहाड़ियों से होता हुआ जंगलात में से होता हुआ हाँ जी, एन इसी जगह इसी कमरे में आया। इस कमरे में जी? तो उसने अपने हीरे और जवाहरात का खजाना यहाँ पर दफन कर दिया है जी, यहाँ दफन किया जी। हाँ, ताकि हाँ? जब वो यूनान वापस जाए तो उसको अपने साथ ले जाए। अच्छा जी, यहाँ खजाना है जी। हाँ, हाँ? और इस खजाने को तुम और मैं दोनों मिलकर निकालेंगे, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। पागल ही हो। हाँ जी। और ये मेरे तारीखी नक्शे, इनको मैंने 20 साल तक के घर में 20 साल तक, आप 20 साल तक एक ही घर में जिंदगी गुजार दी आपने। वैसे आप प्रोफेसर साहब, आपकी ना शख्सियत से लगता है कि आप कोई बड़ी ऊंची और पोची हुई शख्सियत है। यू शट अप। अच्छा जी, वक्त मत जाया करो इडियट। जी जी, खुदाई का काम जो है ना हाँ जी, वो अभी शुरू होगा। कैसे शुरू होगा जी? किधर से शुरू होगा? शुरू होगा किधर? यहाँ से ये काम शुरू करेंगे। अच्छा। इस जगह से हाँ जी, और जो मिट्टी यहाँ से बरामद होगी जी, उसको तुम प्लास्टिक के थैलों में लेकर बाहर फेंकोगे। ठीक है जी। मिट्टी किस तरीके से और कैसे फेंकोगे ये सोचना तुम्हारा काम है। अच्छा जी, वैसे प्रोफेसर साहब आप तो सचमुच का बड़ा चंगा इंतजाम करके आए हैं जी, ये सारी चीजें। यस यस। अच्छा, आधा खजाना तुम्हारा और आधा मेरा, फिर इससे कई गेस्ट हाउस तुम्हारे होंगे और कई प्लाजो के तुम मालिक होगे। इसका मतलब है फिर मेरी जीरा से शादी हो जाएगी, फिर मैं रैम्बो दी ग्रेट मिसेस रैम्बो जीरा, ऐसे करके मेरा एक कदम हॉलीवुड में, एक कदम लक्ष्मी चौक में, उधर हॉलीवुड में पंजाबी फिल्म, इधर जनाब अंग्रेजी फिल्म, ऐसे करके तड़ातार फिल्में ही फिल्में, जान रैम्बो। ओए इडियट। हाँ जी। वक्त मत जाया करो। जी जी, मेरी बात एक गौर से सुनो। हाँ जी। मेरे पीछे आपके पीछे जासूसी तंजीमें लगी हुई हैं। अच्छा, तुम्हें अगर कोई मुश्किल आदमी नजर आए जी, उसको गिरफ्तार करना है। हाँ। जिंदा मुर्दा नहीं, मारना नहीं है, नहीं। जिंदा करना है। बताओ कैसे करना है? मैं ऐसे करूंगा। हाँ जी, खुदाई का काम शुरू करो। अच्छा जी, इससे मजाक करो, इससे शुरू करो। हाँ, इससे छोटी नहीं थी जी। इडियट, काम शुरू करो। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब, इससे तो मेरा ख्याल है दांतों में सिर्फ खलाल ही हो सकता है जी। खड़ा। ये कौन है? बाबा जी है मेरे। देखा आपने इनको? नहीं देखा? बल्ले भी बल्ले, अपना की ना आजकल ताड़ा? वीर भाई सरकार। अब मुझे पता है, मैं कोई काका नहीं हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ। अपना की ना ताड़ा आजकल? बाबा जी सच्ची सच्ची स्टोरी मुझको बता दें, और ये जो आपने दर्दनाक किस्म की स्टोरी सुनाई है ना, और मैं इससे इम्प्रेस होने वाला नहीं हूँ, समझे? मैंने एक मुजरिम पकड़ा, दुकान से चोरी कर रहा था जी। बल्ले भाई बल्ले, अपना की ना तेरा अल्लाह रखिया जी, इसे सियाने खान के पास ले जाओ ना, इसे बेडरूम की सैर कराए, शत्रोल शत्रोल कराओ, इसको समझ आए। हाँ सर, मुझे तो वैसे पकड़ के ले आए। और खमोश है अपना बाबा जी। ये जो कहानी आप मुझे सुना रहे हो ना, और ये किसी फिल्म कंपनी वाले को सुनाना, समझे? ओ बाबा जी, सुबह से आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, आप बता क्यों देते? आप उधर क्या कर रहे थे जिधर से हमने आपको इतनी बहादुर जोर से पकड़ा है? आप उधर लूमड़ पकड़ रहे थे। तेरा की ना बल्लो आजकल? पीर भाई सरकार। अच्छा, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। बोलो, कितनी सर्विस हो गई है तुम्हारी? सर 25 साल 10 महीने 4 दिन जी। अच्छा, और इसमें 25 साल 10 महीने 4 दिन और 2 घंटे और शामिल कर लो ना, तो फिर भी सिपाही के सिपाही रहोगे। अब बीच में मत बोला करो। और जब मैं VIP किस्म की तफ्तीश कर रहा हूँ,
अपना बाबा जी क्या ख्याल है? देता मैं बता तो रहा हूँ कि मैं सुबह से हजार बार बताया, आपकी समझ में नहीं आता। वैसे तुम्हारी जो शक्ल है ना, पक्के वारदातियों की तरह है। जनाब मैंने पिछले थाने में ऐसे चार मुल्जम आप जनाब की तरह अपनी जान अकेली पर रख के पकड़े हैं। थाना एफ डिवीजन SHO आजकल। जी सर, जी सर। बच्चा था, अफसर की आवाज सुना रहा था। शट अप! अपना बल्ला, तेरी कितनी सर्विस हो गई है? 25 साल 2 महीने जी। अच्छा, और इसमें 25 साल 2 महीने और शामिल कर रहे ना, तो तब भी तुम्हें ये फूल नहीं लग सकते। और अगर फूल लग भी जाए तो मेरी तरह स्मार्टनेस नहीं आ सकती। अब मत बोला करो बीच में, समझे? अपना बाबा जी कुछ बोलो। देता बताया था कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरिया। अच्छा, एयरपोर्ट पे उतरा। चलो फिर जहाज का टिकट दिखाओ। चलो वो तो मेरी पांची का खाओ ले गया साथ अपने। और पीर बख्शा सर, और ये होती है तफ्तीश के अंदर रह के तफ्तीश। देखो फ्रॉड का ये तो केस बन गया। बाबा जी पहले आपने जहाज के टिकट पे खुद सफर किया है, बाद में उसी टिकट को बांधी के खामत को सफर में भेज दिया। बल्ले भी बल्ले। जनाब मुझे लगता है इस केस में बाद आप ना तरक्की हो जासी, और सर आपको भी 2.5 किलो का मेडल भी मिल जाएगा। वो तो फिर है। अपना की नाता आजकल बाबा जी। मैं उसको डांट रहा हूँ, दंगी करके बुखार है। अब बाबा जी और आप तो बहुत सीधे आदमी है। वैसे आपने जाना किधर है? इस्लामाबाद गेस्ट हाउस। और पीर बख्शा सर, ये तो वही गेस्ट हाउस नहीं और जिसके मालिक शमीम और चीमे से हमारे तलकात कशीदा। सर फोन कर ले जी गेस्ट हाउस में, जनाब इनको गेस्ट हाउस का रास्ता बता दे। खमाश है, तुम्हारे कंधे पे बिठा के ना भेज दूं। ओए पीर बख्शा, ओए इन्हें इधर से ही सड़क पे चलता कर दो यार, ऐवें हमारे खिलाफ नया केस ना बना दे वो गेस्ट हाउस वाले। अपना की नाता आजकल। खैर जो भी है दफा करो, आप जाए। उठे बाबा जी। काका आ जूती तो फाड़ी जरा। फाड़ना सर। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे मामू। ये सब तुम्हारा कसूर है ना शमीम, तुमने ख्याल ही नहीं किया होगा। रोको रोको करो रोको। ये मुराद नहीं है? हाँ ये तो झूले झूल रहा है यहाँ पे। तो ये झूले झूल रहा है। अच्छा जी, मेरे मामू घूमे हुए और तुझे पिकनिक सोची हुई है। ओ बेगम साहब जी, देखें जी मैं थक गया था, मैंने कहा थोड़ा सा झूला इजी फील कर लूं जी। देखें जी मैंने मार्केट, बस स्टॉप, सारी जगह तलाश किया जी, मामू की नजर ही नहीं आ रहे। मैंने सोचा शायद बेगम साहब वो किसी 5-स्टार होटल में ना खाना शाना। वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं 5-स्टार होटल में। कहाँ ढूंढा तूने? बेगम साहब जी आप मेरी बात मान लें जी, 5-स्टार होटल में चले, खुद भी खाना खाएं, हो सकता है वहीं मिल जाए। नदीदा भूख लगी रहती है हर वक्त से। मुझे भी गम के मारे बड़ी भूख लगी है मामू। मामू जी। अच्छा 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 अच्छा, चलते हैं चलते हैं बाबा चलते हैं। खुदा के वास्ते यहाँ पे लोगों के सामने शोर मत मचाओ, चलो मेरे बाबू। मामू थोड़ा सा जूस पिएंगे, थोड़ा सा हौसला हो जाएगा आपको, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। देखें 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 बेगम साहब, अभी आपको जी मिलेगा ना जी वो जूस, उसके साथ आपके दिल को त्रावट मिल जाएगी। आप देखें अभी क्या क्या चीजें आती हैं इधर। खड़े हो, सीधे खड़े हो। ये ले जी, जाकर खाना लेकर आओ। खाना क्या मतलब जी, ये गेस्ट हाउस तो नहीं है जी, ये 5-स्टार होटल है जी, और यहाँ मैं मुअज्जज मेहमान हूँ जी, मुझे यहाँ पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा सर। कौन सा कौन? वो जी वो यखनी का होता है इतना बड़ा जी, यूं करके रखते हैं जी और फिर उसके साथ। अच्छा मैं समझी थी पढ़ लिख गया। चलो खाने का ऑर्डर करो, देखभाल करके ऑर्डर करना, ऐसे नहीं एमी बिला वजह में चीजें ऊपर नीचे की मंगा लें। जरा टेलीफोन करके आता हूँ। सर जी गेस्ट हाउस में करें जी, हो सकता मामू आ गए। मामू अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए मुझे एक रूम चाहिए। माफ करिएगा जी, हमारे होटल में तो इस वक्त कोई रूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए मुझे तो एक कमरा बहुत जरूरी चाहिए। अगर कोई भी रूम होता तो मैं आपको जरूर दे देता। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा खातून, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। मेरा नाम शमीम है, मैं यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है उसका मालिक हूँ। हमारे यहाँ कमरे खाली हैं, अगर आप चाहें तो बुरा न मनाएं, मुनासिब समझें तो वहाँ चली चले। कहाँ है आपका गेस्ट हाउस?
मेरा गेस्ट हाउस यहाँ बहुत करीब है यहाँ इस जगह से, कार से कोई 10 मिनट की ड्राइव है। लेकिन मैं वहाँ तक जाऊंगी कैसे? अरे वो तो कोई मसला ही नहीं है जाने का, मैं आपको ले चलूंगा, कार है मेरे पास। आपके और भी तो बहुत से जरूरी काम होंगे ना। अरे नहीं, कौन से काम, मैं तो यहाँ से ऐसे गुजर रहा था ना, तो मुझे टेलीफोन एक करना था, मैंने सोचा चलो यहाँ के टेलीफोन कर लेता हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। मेरे फादर भी मेरे साथ है ना, वो जरा रास्ते में रुक गए थे किसी से मिलने के लिए, वो भी यहीं आएंगे। अरे उसकी आप क्यों फिक्र करती हैं? भाई ऐसा करते हैं कि सुनिए जनाब कि इनके फादर आएंगे, वो इनका पूछेंगे तो आप उनको बता दीजिएगा कि ये हमारे साथ गेस्ट हाउस में चली गई है। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, मैं आपको इसका गेस्ट हाउस का एड्रेस दे देता हूँ, आप ये रख लें और उनको यहाँ भेज दें, ठीक है जी? चलिए प्लीज, ओके थैंक यू। अंकल यहाँ कोई अच्छी सी बुटीक है? अंकल जी मेरा नाम शमीम है। जी जी शमीम साहब, मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ कोई अच्छी सी बुटीक है, पता क्या दरअसल मैं अपने लिए 2-3 सूट खरीदना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बुटीक्स हैं, मैं लिए चलता हूँ आपको वहाँ, कोई परवाह नहीं। आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे मेरी वजह से? अरे नहीं आपकी वजह से क्या डिस्टर्ब होना, मैं बिल्कुल फारिग हूँ, खाली हूँ, मैं ले चलता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, अगर आप फारिग हैं तो। हाँ चलिए ठीक है। बहुत अच्छा है, ये तो ले लो जितना जो पसंद आता है सारे। और ये तो बहुत ही अच्छा है, देखिए अंकल। अरे आप कहाँ चले गए, मैं आपसे कह रही हूँ ये देखिए ड्रेस कितना अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन देखो मेरा नाम अंकल नहीं, मेरा नाम शमीम है। ओहो चले अंकल शमीम, अब ठीक है। अच्छा और कुछ आपने लेना है? अच्छा पता है क्या, ड्रेसेस के अलावा मुझे कुछ परफ्यूम्स भी चाहिए ना, तो आप इनसे प्लीज पता करो। हाँ हाँ मैं पता करता हूँ, आप ये देख ले पसंद कर ले सारा, मैं परफ्यूम्स देख, कुछ परफ्यूम्स वगैरह भी मुझे चाहिए। जो है ना आप इस तरफ तशरीफ ले जाए, सब मिल जाएंगे। अच्छा जी शुक्रिया। ये शमीम नहीं है? नहीं वैसे शक पड़ता है, लेकिन बेगम साहब वो तो एक खातून के साथ गए हैं जी। तो क्यों यहाँ खातून के साथ आने पे पाबंदी है? वही है। हाँ, जी। आप मेरी बात माने जी, वो नहीं इधर आ सकते जी, किधर इधर किधर आए, वो खातून के साथ गए। नहीं नहीं मुराद तुम्हें नहीं पता है ना, मैंने देखा है, मैंने देखा है खुद, टाई और मफलर वो बहुत शमीम जैसा था। दुनिया में टाइयां पड़ी हुई हैं बेगम साहब, आप उनकी टाई की बात करती हैं। इधर इधर क्या जी? शमीम बेगम साहब ये टैचू है जी। टैचू? टैचू नहीं स्टैचू होता है, वही वाला। नहीं नहीं इतनी मुशाबियत नहीं हो सकती, जरा जरा थप्पड़ मार के देखना। ठहरे जी एक मिनट। नहीं सकते ऐसा ना हिला के मदोल के देखना ऐसे करके। हाय अल्लाह ये तो शमीम को क्या हो गया ऐसे करो। बिगल साहब, बिगल साहब अब तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा जी, ये तो गिर जाएंगे। हाँ हाँ वो लग रहा है कुछ डिफेक्ट है। ले चले जी गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में ले चलते हैं और शमीम की याद में बाहर इसको गेस्ट हाउस के गेट पे लगाएंगे। ले चलो शमीम, जो काम ना आता हो ना इंसान को वो नहीं करना चाहिए। स्टैचू साहब तू ज्यादा मत कर। अच्छा मुझे तेरा भी बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं तुझे चलती गाड़ी में से धक्का दे दूंगी। मेरे मामू को तुम्हें पिकनिक की सूझ रही है? कमाल है, मुझे नहीं पता मेरे मामू भर के तो यहाँ से मत। बेगम साहब जी आपके मामू भी तो अंडे मामू है जी। देखिए ना अगर कोई छोटा काका बच्चा होता ना जी, तो मैं गाँव से मासी जनते के 10-11 बच्चे उनमें से एक ले आता, वो बेचारी भी इजी फील करती। एक बात और है जी, हो सकता है मामू इस तरह करके जहाज में यूं किया हो, इजी फील कर गया हो, मतलब सो गए हो और वापस जहाज में लाहौर ही चले गए हो, ये भी तो हो सकता है ना जी। जी सो गए लाहौर वापस चले गए, पागल हो गया, हर वक्त बकवास करता रहता है। और वो उस आदमी को मैंने वहाँ एयरपोर्ट पे रिसीव किया था, वो मैंने अटैची केस उसका लिया था, उसको उनको गाड़ी में बिठाया था, अटैची केस रखा था गाड़ी में, वो क्या वो तेरा फूफड़ था? अच्छा ये तुम लोग ये ना समझो कि इन बातों में मैं अपने मामू को भूल जाऊंगी। मामू तुमने गवाया, मैं तुमसे भरूंगी, जहाँ से मर्जी ला के दो मुझे मेरे।
मेरी बात सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो बस करो, मैं तुम्हें एक जबरदस्त जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दे दूं। अब कोई सरप्राइज बाकी है? वो तुम कह रही थी ना तुम्हारा फ्रिज खराब है। देखो मैं तुम्हें एक नया फ्रिज खरीद के देता हूँ। मुझे भी शॉपिंग तुम थोड़ी सी करा के ना, मुझे कुछ चीजें चाहिए है ना। अच्छा ठीक है, चलो शॉपिंग करा। मामू मामू को अजाब हुआ है जब से पता चला है हमारे भी अकाउंट्स चेक कराओ, ये करो वो। ये चीमी जो है ना, इसके अकाउंट सारे जो बिल है ना, ये इसमें आप कोशिश करें कि फोन वाले जो है वो अलहदा कर लिया करें। आजकल कौन सी जासूसी फिल्म में काम कर रहे हो? और इसके कपड़ों को और हाथों को मट्टी भी लगी हुई। क्या चक्कर है? नहीं अब हाँ वो बानवीर बाहर ना, उधर मैं एक्शन करते हुए स्लिप हो गया था। स्लिप हो गया रैंबो? ये आवाजें सुन रहे हो? नहीं था था ठक ठक की। हाँ वो नहीं, वो इधर कोठी है ना कोने वाली, उसमें शादी का एक फंक्शन है, उन्होंने मुझे ही बुलाया। कहते हैं रैंबो का एक एक्शन करके दिखाओ, क्लाशन कोफे जा रही है उनकी, ये है ठक 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 ठक। और ये तो प्रोफेसर साहब के कमरे में ज्यादा सफाई नहीं करने लग गया बच्चे? ये मुरादे की गैर हाजिरी का फायदा उठा रहा है ना? नहीं नहीं फायदा नहीं भावनीत, वो मुरादा नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है ना, गेस्ट हाउस की रेपुटेशन का भी मसला है, तो इसलिए मैं सफाई। ठीक है, रेपुटेशन का जाके दूसरे कपड़े पहनो या धोके इनको, मैला सा फिर रहा है इधर, रेपुटेशन का मसला है। देखें जी वो आज रात डिनर का मेन्यू क्या होगा? जी वो ऑनियन जिंजर सूप मिल जाएगा। ऑनियन जिंजर सूप आपने पहले कभी पिए? जी जी वो जब मैं पेरिस में था। अब आप पाकिस्तान में हैं सर, आप लस्सी पिया करें, आपको सूट करेगी। वैसे देखें आप लोग चिकन के टेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। डेवलप करने की तो कोशिश कर रहा हूँ सर। सुने ये आपकी आंखें पहले से ज्यादा खराब हो गई हैं। एक ही क्या गया करो, और कितना खोदने हैं जी? बस थोड़ा सा रह गया हमारा। मैं देर के बाद फेंका था बेटी। हाँ जी और कितनी देर है खजाना मिलने में? Thank you.
शट अप। इधर आओ। शाबाश रंबो। कौन है ये? बार मेरी जासूसी कर रहा था, मैंने ऐसे और के एक एक फ्लैंक किक मारी, बेहोश हो गया, पकड़ के ले आया हूं। सुनो जी, ये वो जासूस है जो आलमी तंजीमों ने मेरे पीछे लगा रखा है, ताकि मुझसे ये मेरे ये ना नक्शे ये चुरा के ले जा सके। अच्छा, अब इसका ट्रायल होगा। हाँ। जी, इसका तो ट्रायल होगा जी। मैं देखें कितनी गहरी खुदाई कर चुका हूँ, अभी तक कुछ नहीं खजाना निकला, वो तो सारा गेस्ट हाउस बर्बाद हो रहा है। शमीम साहब मुझे नगरी से निकाल देगा मेरा। अच्छा, चाप। ये नक्शा मुझे पकड़ाओ। हो सकता है इसमें कुछ उलट फेर हो गई हो, मैं ना इसको भी लेबोरेटरी से चेक करा के आता हूँ। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो जी, इस जासूस का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। अच्छा जी। इसको बाहर नहीं निकलने देना, खुद भी बाहर नहीं निकलना। अच्छा जी। काल में तंजीमें मेरे साथ तुम्हें भी तबाह करके रख देगी। मुझे भी। हाँ। मैं जा रहा हूँ लेबोरेटरी। अच्छा, मुझे कुछ दे जाए ना हथियार। पिस्तौल अपने पास रखना। अच्छा, आप जल्दी आ जाए। नवीन जी, कोई फोन तो नहीं आया एयरपोर्ट से? नहीं जी। अच्छा, तहमीना जी, कोई कॉल, कोई मामू जी की इत्तला नहीं? अच्छा, तहमीना इधर आ। मैं मामू ले ही तोड़ देता सारी। बस रोने पे इतने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने इन्हें तो नहीं देखा? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। सर ये इधर तो नहीं आए? पहले आप ये बताएं जी, ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे बाबा जी हैं और इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, सुबह से घर से गायब हैं और हम इन्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए। सर ये तो हमारे कमरा नंबर 4 में ठहरे हुए हैं जी। हैं? आप कहीं ठहरे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके वालिद हैं? जी जी। ओह वंडरफुल, ये तो अच्छा हो गया आप इधर आ गए। बहुत मुबारक हो जी, आपके वालिद आपको मिल गए, बड़े खुशकिस्मत हैं, वरना खोई हुई चीजें कहाँ किसी को मिलते। मुझे देखो, मेरे मामू घूम गए। रो तो अकल से। आपके बाबा जी इस कमरे में ठहरे हुए हैं? मेरे बाबा यहाँ पर? वो ये क्या? कुछ नहीं बाबा, नींद आ गई ना बस, वैसे ही जरा। मेरे बाबा जी किधर हैं? अब बाबा जी मैं बताता हूँ जी, इधर हैं बाबा जी। ये है? ये इधर पीछे क्यों है भाई? ये इधर हैं जी, इधर हैं। ये है ये मेरे बाबा जी नहीं है। मेरे बाबा जी किधर हैं? ओए प्रोफेसर साहब का पूछ रहे हैं, वो जो दाढ़ी वाले हैं। वो क्या प्रोफेसर साहब? अभी बाहर गए जी, खिड़की से इधर से गए, बाहर चले गए। ये क्या है? ये भवनीत, ठहरो पहले मैं इसके कान बंद करूं। इधर ये ना, मैं और प्रोफेसर साहब ना खजाना निकाल रहे हैं यहाँ से, बताना नहीं किसी को। हाँ? वो प्रोफेसर साहब जो है ना। हाँ? वो पागल हैं, वो घर से भागे हुए हैं, ये बेटा उनका ढूंढने आया था। पागल है? हाँ। खजाना भी गया, जीरा भी गई, अब नौकरी भी गई, मैं खुदकुशी करने लगा। ठहरो, ठीक है कर लो, रोकोगे नहीं? करो। अवनीत जीरा, आ ये नकली पिस्तौल है जीरा, आओ चलो चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शमीम साहब नौकरी से निकाल देंगे, ये मैंने कर दिया था। और फिक्र ना करो, छीमे से मैं खुद बात कर लूंगा, आ जाओ। नहीं ना, मैं पहले इसको प्लास्टर खिला रहा हूं ना। और छोड़ो ना, मैं बात कर लूंगा यार। अवनीत मैं वो, आ जाओ आ जाओ। वो देखिए जी, आप थाना एफ डिवीजन से बोल रहे हैं? जी नहीं है? नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरा मतलब ये था कि नहीं। वे?
नीचे देखो जी फ्रिज खबरदार कोई अब जमीन को कंजूस मत कर मुझे फ्रिज लेके वो बताया क्या जी वो फ्रिज वाला कह रहा था कि ऊपर वाली खिड़की खोलो उसमें से ठंडी लहर इस तरह निकलती है खोलो जी इजाजत है जी खोलो जी ये तो मामू है ये फ्रोजन मामू है फ्रोजन मामू मामू आया मामू मामू आया मामू मामू आया मामू मामू आया मामू अब TIP का मतलब समझ आया मामू आया मामू मामू आया मामू